शहजाद पूनावाला, सवाल ये है कि देखेंगे वो जो देखना चाहते हैं, कहेंगे वो जो कहना चाहते हैं, और फिर कहेंगे हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, क्या ये सही है? देखे नाविका, देखिए नाविका, मैं केवल इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने विवेक जी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, तो विवेक जी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि 30-40 सेकंड बिना कोई इंटरप्शन के, और मैं उन्हीं के विषय में बोल रहा हूं, तो ताकि वो ध्यान से सुने मेरी बातों को। बोलते बोलते विवेक जी के मुंह से निकल गया कि आप दलित विरोधी हो, वरना आप राष्ट्रपति के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते। राष्ट्रपति आदिवासी है, राष्ट्रपति तो दलित नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता। राष्ट्रपति जी भी गई, वो बाद में गई, उन्होंने उसी समय लेटर लिखा था। पर जो आलिया भट्ट को वहां पर खोज रहे हैं, 10 सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज विवेक जी, मैं 10 सेकंड लेकर कुछ बताना चाहता हूं नाविका जी, और ये मेरे दिल से निकल रही बात। आपको बता है वहां पर एक बिडुला बाई थी, बिडुला बाई ने 20 रुपए दिए थे राम मंदिर बनाने के आंदोलन में, उनको न्योता राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया था। एक हमारी संतोषी दुर्गा थी, वो लाश और सैनिटेशन, लाश उठाने का काम और सैनिटेशन का काम करती है। एक हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के प्रेसिडेंट थे वहां पे, उनका नाम रामचंद्र खराड़ी और दिलीप वाल्मीकि समाज, समाज से थे। महादेव गायकवाड़ घुमंतु नोमैडिक समाज से थे। 150 सेंट्स थे अलग अलग जो प्लीज नाविका, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता। नाविका आप इनसे बुलवा लीजिए, जब इनका भड़ास निकल जाए तब मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पे बोल रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आप बोलिए नाविका जी। मैं तो कह रहा हूं कि अभी उन्होंने शंकराचार्य को कोट किया, वैसे तो मैं तो मुसलमान हूं, मुझे तो कम जानकारी है, पर शंकराचार्य मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा में जाते, ऐसी कितनी परंपराएं हैं मुझे नहीं पता, 5-6 उदाहरण वो गिनाएंगे। पर शंकराचार्य जी, बड़े सम्मान से कहता हूं, अंबानी जी के बेटे की शादी में भी थे, और उस बेटे की शादी में भी तो बहुत सारे विदेशी लोग थे जो बीफ खाते थे, तो वो तो इनका विषय, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसी शंकराचार्य जी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों का रहना नहीं ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग देश बन गया, मानते क्या इस बात को? शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, क्या शंकराचार्य के ये अनुयायी है? तो बता दे, लेफ्ट वाले अब शंकराचार्य को कोट करने लगे, और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को जो नाच गाना बोलते हैं, हिम्मत हो तुम्हारी तो हज के बारे में बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तुम्हारी तो वेटिकन में जो कांग्रीगेशन होता है उसमें बोल के दिखाओ। बहुत बहुत बड़ा सवाल है, और तहसीन पूनावाला जी, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में सामान का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है? नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई यूपी से सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहकर ही अपनी बात कही जा सकती है? अमरनाथ वर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, क्या खड़गे जी ने जो बोला यही उनकी पार्टी की संस्कृति है? शिशिर भालचंद्र घाट पांडे का मुंबई से सवाल है, राहुल जी लगातार 3 बार मोदी जी के सामने चुनाव लड़े हैं और 3 बार हारे हैं, फिर कैसे मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं? किस तरह हटाएंगे बताइए, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। नाविका जी, मुझे, मैं हवाम के सामने, जनता के सामने अपना सर झुकाता हूँ बड़ी विनम्रता से, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक जमहूरियत में, एक डेमोक्रेसी में रहते, मेरा कर्तव्य है विपक्ष में कि मैं जो सत्ता में सरकार है उसको हटाओ, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है। ये कैसा प्रश्न है कि आप क्यों हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? भैया चुनाव के माध्यम से हटाएंगे, जितना भी हरियाणा में, हमारे जम्मू में, तो चुनाव तो हो गया। नाविका जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आज चुनाव की कैंपेन ही थे। ये कैसा आपका शब्द है कि अब शब्द हो रहे मोदी जी के खिलाफ? भैया मुझे उनको हटाना है तब तक मैं जिंदा रहूंगा, इसमें कौन सी गलत बात है? ज्योतिरादित्य सिंधिया में टाइम्स नाउ को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा को मैं सत्ता से नहीं हटाऊंगा, मैं मध्य प्रदेश में, मैं तब तक हारने पे रहूंगा। आज वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा के अंदर है। ये कौन से अपशब्द हुए? अपशब्द वो होते हैं जब एक दलित नेता के परिवार को मारने के लिए, अपशब्द वो होते जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस के एक नेता की तस्वीर में जो दलित समाज से आते, क्यों प्रधानमंत्री जी को खड़गे जी का नाम नहीं पता? नहीं पता उनका नाम, क्यों नहीं लिया उनका नाम? यही मैं बता लिया है, आप पूरी साउंड बाइट सुनेंगे, उन्होंने खड़गे जी का नाम भी लिया है, लेकिन तहसीन पूनावाला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था जब तक मैं भाजपा को नहीं हटाऊंगा,
यहां कहा जा रहा है जब तक मैं मोदी को नहीं हटाऊंगा। बिल्कुल, एक सेकंड आविका जी, मुझे मोदी जी को हटाना है प्रधानमंत्री जी के पद से, उसमें क्या गलत है? अखिलेश यादव जी को जब हटाया उनके ऑफिशियल निवास से, वहां पे निवास का शुद्धिकरण हुआ, शुद्धिकरण वो अपशब्द है, वो भाव गलत है। किसी को हटाना, माननीय मोदी जी को हटाना, इसमें कोई अपशब्द नहीं है। मैं चाहता हूँ हटे प्रधानमंत्री के पद से, तब मेरे शहजाद पूनावाला जी, समस्या तो मोदी ही है। देखिए तहसीन कह रहे हैं बार बार दलित का अपमान, दलित का अपमान, तो इनसे एक बार पूछे, कुमारी शैलजा को जब मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित करते हैं और वो खुद आकर कहती है कि मुझे चुनाव लड़ना है पर टिकट नहीं देते हैं, ये दलितों का अपमान है या नहीं है? जब दलित समाज के व्यक्तियों को अपमानित करते हुए उनका 14,000 करोड़ कर्नाटका की सरकार खा जाती है, वो दलितों का अपमान है या नहीं है? जामिया एमयू में एससी एसटी का आरक्षण खत्म करते हुए दलितों का अपमान है या नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाल्मीकि समाज को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है जम्मू कश्मीर में, वो दलितों का अपमान है या नहीं है? और इनको तो सीताराम केसरी की धोती फाड़ी गई, उसमें भी ओबीसी समाज का अपमान नहीं दिखा। नरसिम्हा राव जी के शव को अंदर नहीं आने दिया, उसमें भी तहसीन को नहीं दिखा। तो तहसीन को आज खड़गे जी के बयान में क्यों कुछ नजर आएगा, जब उन्होंने मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तुझे लाठी डंडे मारेंगे, उसमें कुछ गलत नजर नहीं आया। तो नाविका हटा देंगे, मिटा देंगे, तुम काफिर हो, तुमको नहीं रहना है, ये इस प्रकार की बातों और भाव में उनको क्यों कुछ गलत नजर आएगा? वो तो इसको स्वीकारेंगे, सहज स्वीकारेंगे। बिल्कुल। और राजकुमार भाटी जी, नाच गाना होता है मंदिर में, ये भी भाव की बात है, और दूसरी तरफ इस तरह से एक पर्सनल अटैक करना नरेंद्र मोदी पर, हटा दीजिए, आपने कोशिश की थी, 3 महीने ही तो हुए, 4 महीने मान लीजिए, 4 महीने पहले कोशिश की थी, कुछ घटा दिया पर हटाया तो नहीं, हटा पाए नहीं, और दिक्कत इसी बात की हो रही है क्या विपक्ष को? नहीं, आपने एक सवाल उठाया कि उन्हें ये कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देंगे, ये क्यों कहा कि मोदी जी को हटा देंगे? तो ये बीजेपी को सोचना है, ये तो जब पोस्टर में उन्हें लिखना चाहिए अब की बार भाजपा सरकार, वो तो लिखते हैं अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने खुद इसका नाम मोदी सरकार रखा, इसलिए जब भी आलोचना होगी मोदी कह के, मोदी जी का नाम लेकर ही होगी, मोदी सरकार कह के ही होगी। और जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का, मैं मानता हूं प्रोटोकॉल के लिहाज से खड़गे जी का फोटो होना चाहिए था कांग्रेस के हर पोस्टर में, लेकिन बीजेपी के भी ऐसे हमने बहुत पोस्टर देखे जिनमें अकेले मोदी जी का फोटो होता है, और हमने तो ये भी देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच पर सार्वजनिक रूप से अपमानित होते हुए देखा है कि वो बराबर में खड़े हैं, उन्हें कुर्ता पकड़ के पीछे खींचा गया, पूरे देश ने देखा, वो वीडियो खूब चले। तो ये नसीहत तो उन्हें देनी चाहिए जो खुद अपने आप में जिनमें कमियां ना हो। मैं वैसे दोनों चीजों की मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की भी ये कमजोरी है, कमी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो क्यों नहीं है, सही मुंह से कुछ निकला तो। लेकिन लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आर यू शहजाद जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने पहले हाथ उठाया। एक वाक्य, अच्छा एक वाक्य बोलिए शहजाद जी। नहीं, वैसे तो हटाने का और बिठाने का काम देश की जनता करती है, अपने आप को देश की जनता के ऊपर मत समझो, पर जिन लोगों की संस्कृति अब्बू जान के हाथ से माइक खींचने की हो, वो कम से कम किसी और के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में ना बोले। जिन्होंने औरंगजेब की